जय गुरुदेव। सत्संग के शुरुआती दिनों में श्री शालिग्राम मिश्रा जी, जो अब नहीं हैं, सत्संग में आए। वे भी हर तरह की सेवा करते रहे, सत्संग सुनते रहे, स्वामी जी महाराज को गुरु मानते रहे। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज की उम्र उस समय बहुत कम रही, इसलिए उनका विश्वास डिग जाया करता था। जवान साधु पर कौन विश्वास करे कि वह पूरा संत है, सतगुरु है। इस दुविधा में उनका मन कभी कभी डोला करता था। मिश्रा जी प्रार्थना की रचना करने में और सहस्वर गाने में पारंगत थे। उनके बच्चे अभी छोटे छोटे थे। सारनाथ में कभी कभी पहुंचने में उन्हें विलंब हो जाता था और आसपास जहां स्वामी जी महाराज का सत्संग होता रहा, वहां भी उनको जाने में कभी कभी देर हो जाया करती थी। एक दिन एक सत्संगी भाई ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज से कहा कि स्वामी जी, ये मिश्रा जी सत्संग में पहुंचने में देर कर देते हैं। तो यह सुनते ही स्वामी जी महाराज बोले कि अगर देर ना करे तो उनके बच्चों को तुम खिलाओगे? अरे, परिवार को चलाने में देर हो ही जाती है, सत्संग में लगे तो रहते हैं। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज सत्संगी की हर बात का, हर परिस्थिति का कितना ख्याल रखते रहे, यह इस घटना से स्पष्ट हो जाता है। जय गुरुदेव।